वो मूर्ति है जिसको लोग न वो 23 दिसंबर 1949 से जिसकी पूजा होती आई है, यह केस भी लड़ा कि वर्तमान में विराजमान रामलला उसी के केस जीता गया है, तो वो मूर्ति की रहेगी ही वहाँ। राम मंदिर के लिए पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थल पर विराजमान हो जाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हम आपके हर उलझे सवालों को सुलझाते हुए सबके जवाब देंगे। दरअसल आम जन के मन में अपने भगवान राम के विराजमान होने और इस दिन का काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। अब जब इस ऐतिहासिक दिन में महज 11 दिन बचे हैं, तो लोगों के मन में इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब दिया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पुजारी आचार्य सचिंद्र दास ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी जानकारी साझा कर दी है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि मंदिर में कब से पूजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है, तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। फिर उसको उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे, परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, औषधाधिवास, यह दुग्धाधिवास, जलाधिवास, ये सब प्रक्रिया हो। फिर जब उनसे पूछा गया कि भगवान राम के आंखों पर पट्टी बांधने के पीछे की क्या वजह है, तो इसके पीछे की खास वजह बताते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। भगवान की जो दृष्टि है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद में उसको वही शक्ति आ जाती है जिस देवता की प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में किया जाता है, तो वो शक्ति वो आ जाता है, इसलिए उनके आँख को बांधा जाता है। और आँख बांधने के बाद जो शक्तियाँ हैं आँख से निकलती हैं, इसलिए उसको वो शक्ति जो उनमें स्थापित किया गया है मंत्रों के द्वारा, वो बाहर न निकले तब तक जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा हो करके और वो जो सिंहासन है जहाँ उनको स्थापित करना है वहाँ जब तक स्थापित नहीं हो जाते। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित हो जाएंगे तब उसके बाद में उसको भी सामने से नहीं, बगल से जो भी होंगे वो विशिष्ट लोग जिनको वो आचार्य जो हैं निर्देश देंगे, वो उनकी पट्टी को खोलेंगे। पट्टी खोलने के बाद शीशा दिखाएंगे, शीशा दिखाने के बाद में सोने के सिक से उनको काजल लगाएंगे। ये तीन प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा और स्थापित होने के बाद होती है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सबसे बड़े सवाल पूछे गए कि नई मूर्ति बनने के बाद जिस मूर्ति की इतने दशकों से पूजा हो रही है उस मूर्ति का क्या होगा, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। उसी जगह वो मूर्ति होगी, हो सकता है जैसा हमें सूचना मिली है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के स्थापित होने के पहले ही मूर्ति स्थापित हो जाएगी। उसमें यह है कि मूर्ति छोटी है और सभी लोग इसको दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बड़ी मूर्ति की ज़रूरत पड़ी और एक 5 वर्ष के बालक के बराबर का वो मूर्ति बनी है, उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिर प्रमुख पुजारी से पूछा गया कि क्या पुरानी पूजा विधि से इस पूजा विधि में कोई खास अंतर है, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। बदलाव नहीं, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है, क्योंकि और जगह जो पूजा होती तो उसमें भगवान राम का दरबार होता है, उनके माता सीता भी साथ में रहती हैं और उनके भाई भी रहते हैं, यहाँ केवल राम ही है और इसलिए जो स्तुति भगवान राम के और सीता के साथ में की जाती है उसको नहीं किए हैं और ये बदलाव किए हैं। बाकी जो सुबह के उठाना बैठाना स्नान कराना
वो वही पद्धति है जो पहले से चली आ रही है, और उसमें जो मंत्र हैं 16 है, उसी 16 मंत्रों से सब काज होता है। और साथ साथ ये है कि वो मंत्र जो हैं षोडशोपचार और पंचोपचार दो प्रकार की विशेष पूजा होती है, तो षोडशोपचार पूजा होती चली आ रही है। अब उसे मंत्र पढ़ो और समान देव जैसे ओं सा शीर्षा पुरुषा सा साक्ष सात भूमि गों सत्वा दशांगुलम तभी कहते रामम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ये मंत्र पढ़ने के बाद उनको स्थापन किया जाता है, तो स्थान के जगह हुआ। फिर इसके बाद में आगे जो मंत्र हैं वो समान देने के लिए हैं, जल देना, उसके बाद आचमन कराना, स्नान कराना, फूल देना और वस्त्र पहनाना और जो मुकुट पहनाना, ये सारी बातें पहरा करके तब उनको अंत में श्रृंगार आरती होती। श्रृंगार आरती में फिर उनके बाद में उनको पुष्पांजलि होती है। अंत में होता है जगेन जग में जंत देवास्थानी धर्माणी प्रथमन न्यासन न तेह नाकम महिमान सचन जत पूर्वे साध्या संति देवा। यह होगा, पुष्पांजलि हो जाएगी। इस प्रकार से सर्व मंत्र के द्वारा उनकी विधि विधान से पूजा होगी। आखिरी सवाल में पूछा गया कि मंदिर पूरा बनने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्यों अधूरे मंदिर में ही रामलला को विराजमान कराया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने एक बड़ी वजह बताई। आइए सुनते हैं। नहीं, जितने भाग में रामलला के स्थापित करना वो पूरा बन चुका है, और तीन खंड में बनना है तो तीनों खंड के अलग अलग व्यवस्था है, ठीक है। और एक खंड बन गए हैं, इसे एक खंड में कोई ऐसा नहीं है पूरा। हाँ, ये होता जैसे एक मंदिर ऐसे होता सीध है वहाँ तक जाएगा, शिखर तक, जो सीध है शिखर तक जाता है, बीच में कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है। ऐसे मंदिर जैसे हनुमानगढ़ी बना हुआ है, और वो मंदिर बनते तो उसमें पूरा बनने के बाद ही उसकी शिखर की होगी, लेकिन इसमें तीन खंड है। एक खंड में तो रामलला होंगे, दूसरे खंड में क्या करेंगे वो भी है, तो एक खंड पूरा बन गया है, इसलिए इसकी जितना भाग बना उसकी पूजा हो जाएगी, और उसके पूजा होने के बाद उसमें स्थापित हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो काम होगा वो करते रहेंगे। ऊपर जो सीधा एक बनता है जिसे ने मंदिर बन गया, उसमें शिखर तक एक ही भाग रहता है, इसमें तीन भाग है, इसलिए तीन भाग में होने के कारण से जो आपत्ति लगा रहे हैं वो नहीं है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।